आप भगवान का भजन करते हो, ये यहाँ से आपका धर्म मार्ग प्रारंभ होता है, भक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है जब आप भगवान का भजन करते हो। ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है, आपको भजन करना नहीं पड़ता है, अपने आप आपका भजन होता है, ये दूसरी सीढ़ी है। कितने लोग दूसरी सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं? भजन अपने आप होता है? मैं हां मानो कि ना मानो, भजन अपने आप होता है या करना पड़ता है? करने के बाद भी मन नहीं होता भजन करने का? जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतरों तक हम लोग केवल पहली कक्षा में ही रहते हैं, इसलिए हम कोई बहुत अच्छे भक्त नहीं है। एक तरह से मानूं तो हम लोग असफल भक्त हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो और 10 साल तक वो प्राइमरी में रहे, कक्षा एक में ही रहे, आप उसको अच्छा विद्यार्थी मानोगे कि बुरा विद्यार्थी मानोगे? अच्छा विद्यार्थी है वो कि 10 साल से स्कूल जा रहा है और 10 साल स्कूल जाने के बाद भी वो कक्षा एक में ही है, तो वो इसका मतलब है वो जा तो रहा है स्कूल लेकिन टिफिन साफ करके आ जाता है, मस्ती मार करके आ जाता है, वहाँ वो पढ़ाई। बस यही हम भी करते हैं। हम भी न जाने कितने वर्षों से वृंदावन आ रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से हम अयोध्या जा रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से हम काशी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माला जप रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन हैं वहीं के। भक्ति का प्रारंभ है, हम भगवान का जब नाम लेते हैं ये भक्ति का प्रारंभ है। भक्ति की दूसरी सीढ़ी है जब भगवान का नाम लेना नहीं पड़ता है, अपने आप हमारे मुख से, हमारे रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, ये भक्ति की दूसरी अवस्था है। और भक्ति की सिद्धावस्था है, रास अवस्था है कि उस समय भक्त भगवान का नाम नहीं लेता है बल्कि भगवान भक्त का नाम लेते हैं। अभी रविन्द्रनाथ जी, आप राम राम करते हो कि नहीं, मतलब भगवान नाम लेते हो कि नहीं? आप लेते हो ना? अभी आप लोग क्या लेते हो? राम कहते हो, कृष्ण, शिव, जो भी आपका इष्ट है, आप अपने इष्ट का नाम लेते हो। लेकिन जब सिद्धावस्था में आप पहुंच जाओगे उस समय आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं कहेंगे रविन्द्रनाथ जी, रविन्द्रनाथ जी, रविन्द्र, भगवान आपका नाम। भगवान में अपने जीवन को बनाने का एक आनंद ही दूसरा है। अभी हमने अपने चित्तवृत्ति को बिल्कुल विषयाकार बनाया हुआ है। जिस समय हम अपनी चित्तवृत्ति को भगवदाकार बनाते हैं, परमात्मा के प्रेम से रंगते हैं, अभी हमने अपने अंतःकरण को संसार के प्रेम से रंगा हुआ है, इसलिए भी पूरी बात नहीं बनती है। जिस दिन हम अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम से रंग दें उस दिन देखना क्या बात बनती है। आज हमारे शिष्य हैं विजेंद्र जी, आगरा से पधारे हैं, इन्होंने अपनी माँ की बात बताई। जीवन भर इनकी माँ ने भगवान शिव का नाम लिया, शिव के अलावा न राम कहा न कृष्ण कहा, महादेव की वो भक्त थी, नित्य प्रति मंदिर में जाती थी, अनन्यता पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करती थी। और जब अंतिम समय उनका आया तो ये परिवार वाले कहते कि तुम्हारा नाती पोता, उन्होंने कहा हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे महादेव मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तुम सब लोग हटो मेरे सामने से, बाहर जाओ तुम लोग, मेरे महादेव मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और वो महादेव के साथ ही थोड़ी देर में चली गई। इसको कहते हैं भगवान का भक्त। हम आराधना करते जरूर हैं लेकिन हमारी वो आराधना अनन्यता पूर्वक नहीं होती है, निष्ठा पूर्वक नहीं होती है, विश्वास पूर्वक नहीं होती है, श्रद्धा पूर्वक नहीं होती है, इसलिए बहुत बात नहीं बनती। इन गोपियों ने आज कृष्ण को नहीं पुकारा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण ने गोपियों को पुकारा है। और जब ऐसा बांसुरी बजाए कि प्रत्येक गोपी को यह लगा कि कृष्ण मेरा नाम ले रहे हैं। हे विशाखा, हे चंद्रावली, हे चंद्र सखी, हे सरस माधुरी, हे तुंग देवी,
हे विदुर, ऐसा सभी गोपियों को ये लगा कि भगवान मुझे पुकार रहे। आप भी जिस दिन भक्ति के रंग में रंग जाओगे, आपको अपने घर में ही भगवान की बांसुरी सुनाई देगी, और बांसुरी ऐसी सुनाई देगी मानो भगवान उस बांसुरी में आपका नाम ले। गोपी किसको कहते हैं? गोपी किसी स्त्री शरीर के पुरुष का नाम नहीं है। गोभ्यै इन्द्रिभ्यै कृष्ण सुखम पीयूषादिकम पिबति इति गोपी। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां उस कृष्ण अमृत को पीती है उसका नाम गोपी है। आपको 4 दिन तक कमरे में बंद कर दिया जाए, आप रह पाओगे? अरे एक दिन में नहीं रह पाओगे, दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाओगे, नहीं रह सकते हम। लेकिन इन गोपियों को सिवाय कृष्ण से किसी और का कोई मतलब नहीं था, न किसी की और बात सुननी, न किसी और को देखना, न किसी से बात करना, न किसी और से कोई मतलब नहीं है। सभी आँख कान नासिका मुख हाथ पांव रोम रोम केवल कृष्ण को चाहता है। गोभ्यै इंद्रिभ्यै कृष्ण रसम पीयूषादिकम पिबति इति गोपी। जो उस कृष्ण अमृत को प्रत्येक इंद्रियों से पीती है उसका नाम गोपी। ये कथाएं आप हम सबको प्रेरित करती हैं कि हम भी क्यों नहीं उस चल सकते हैं उस तरफ। यदि मीरा चल सकती है, वो रसखान चल सकते हैं, वो ताज बीवी चल सकती है, तमाम महापुरुषों के नाम हैं, यदि वो चल सकते हैं तो क्या हम नहीं चल सकते हैं?